केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, रेप एक ट्रेंड बन चुका है। जो मुतासरीन थे वो तो अब इक्का दुक्का हैं, लेकिन सो कॉल्ड मुतासरीन सामने आने लग पड़े, उसकी तफ्तीश आप कैसे करती हैं? कैसे पता चलता है कि ये झूठा मुकदमा है और इसके पीछे कोई ग्रोह भी होता है? सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन किया है कि रेप के जो केसेस होते हैं उनमें हमारे पास गैंग रेप केसेस होते हैं। गैंग रेप में दो या दो से ज़्यादा जो मुलजमान शामिल होते हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे माइनर केसेस होते हैं जिसमें माइनर के साथ रेप होता है, वो ज़्यादातर मतलब जेन्युइन होते हैं। उसमें फेक मेरे हिसाब से जी माइनर में बच्चियों के साथ रेप होते हैं, तो उनमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई मैंने अपने लाइफ में कोई फेक नहीं देखा। उसके अलावा बाकी आम रेप के केसेस होते हैं, अटेम्प्ट्स होती हैं, पहले 377B के केसेस होते हैं, अब 377 था वो भी अब 376 में ही डील किया जाता है, वो भी बीबियों के साथ बच्चियों के साथ जो केसेस होते हैं वो भी हम देखते हैं, मैरिड अनमैरिड वो केसेस हम देखते हैं। तो मेरे मुताबिक अबव 70% फेक होते हैं। 70% एक बड़ी आप कह लें कि परसेंटेज निकलती है कि झूठे मुकदमात हमारे माशरे में सामने आ रहे हैं जी। ये कौन लोग हैं, किन लोगों को फांसते हैं? वो जो फांसते हैं क्या उनकी दोस्ती तो होती होगी जो फांस जाते हैं? ये इसमें भी मुख्तलिफ किस्में हैं। एक में तो बाकायदा गैंग्स बने होते हैं, कुछ में प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं जिनके गैंग, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमारे बड़े मोतबर किस्म के प्रोफेशन हैं वो गैंग्स होते हैं, वो बीबियों को हायर करते हैं और वो ये रेप केसेस करवाते हैं। जो बेसिकली ज़्यादा मालदार किस्म का तबका है, जो मालदार किस्म के लोग हैं उनको ट्रैप करते हैं और रेप केस करवाते हैं, एक ये गैंग्स हैं। दूसरा जो है आपस में कोई जिनकी क्लैश चल रहे होते हैं रिश्तेदारों में, या वैसे ही किसी की 302 का किसी पर पर्चा है, तो जिसने पर्चा करवाया हुआ है और जिसके ऊपर पर्चा है वो आगे जो है, जिसके ऊपर 302 का पर्चा है वो आगे जी पिछली पार्टी के ऊपर बुधई पार्टी को मुल्जिम पार्टी बनाएगा, उसके ऊपर 376 का पर्चा करवा देगा। ठीक है, ये तो होता है जब 376 का पर्चा दर्ज हो जाता है तो आपके पास तफ्तीश आ जाती है जेंडर क्राइम सेल की, उसमें एक खतून होगा ऑब्वियसली और एक मर्द होगा जी। वो आते हैं, लड़की अपनी स्टेटमेंट उस मुकदमे के मुताबिक दे पाती है या आप उसको जज कर लेती हैं कि नहीं ये यहाँ पे झूठ बोल रही है, इसने मुकदमे में कोई और बात की है, अब सामने कोई और बात सामने आ रही है, मुल्ज़म जो सो कॉल्ड है क्या वो मुल्ज़म होता है? सबसे पहली बात, जब भी कोई रेप केस हमारे पास आता है हमारा सबसे पहला काम होता है उसका मेडिकल करवाना, उसके फौरी बाद सबसे पहला काम विद इन 24 आवर्स मेडिकल और फिर मुलाजम मौका करना, जो इंसिडेंट प्लेस है उसको देखना, उसी से हमें पता चल जाता है। पहले तो हम इतने माशाल्लाह हो चुके हैं कि हमें FIR की स्टोरी से पता चल जाता है, अगर वहाँ से भी हमें बड़े कोई बड़े तरीके से उसने स्टोरी बताई हुई है वहाँ से नहीं हमें पता चल रहा, फिर हमें मुलाजम मौका करके पता चल जाता है कि आया कि यहाँ पर रेप हुआ है कि नहीं हुआ। वहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से PFSA की टीम बुलाते हैं, वहाँ पर हम अपनी क्राइम सीन की जो इन्वेस्टिगेशन की टीम होती है उसको बुलाते हैं, वहाँ से हम बाकायदा टिश्यूज़ जो जो किस्म के सबूत होते हैं वो हम कब्ज़े में लेते हैं। जब अगर ख़ास तौर पर जब कुआ फ्रेश होता है वहाँ पर हम कॉर्डनिंग कर देते हैं, किसी को हम उस जगह पर एंटर नहीं होने देते हैं, वहीं से हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। फिर CDRs हैं, जो विक्टिम का नंबर होता है या उसका अक्यूज का नंबर होता है उसको हम उसकी CDR अप्लाई करते हैं, उसके मोबाइल फ़ोन का डेटा लेते हैं, अगर उसकी लोकेशन आ जाती है तो ठीक है, वो फिर कसूरवार साबित हो गया। अगर कसूरवार नहीं बकुआ साबित हो जाता, बकुआ साबित हो जाता है कि ये वहाँ पे दोनों पाए गए हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि बंदा स्पॉट पे नहीं होता लेकिन उसको इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, हकीकत में जो वाकया वो बता रही होती है वो नहीं हुआ होता। जैसा कि आपने बताया कि मालदार जो असामियाँ हैं उनको ढूंढा जाता है, लोगों को ढूंढा जाता है, ट्रैप किया जाता है, फिर उनसे पैसों का मुतालबा किया जाता है, फिर सुलह कर ली जाती है। ऐसा भी होता है कि वो मुकदमे में फिर एंड में आपको बयान देती हूँ कि गलत फहमी की बुनियाद पर हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया। गलत फहमी की बुनियाद पर अक्सर जो विक्टम्स होती हैं ये 164 की स्टेटमेंट देती हैं। FIR करवाई थी थाना गुजरपुरा और जिसमें मैं मदई थी और वो मैं अब नहीं करवाना चाहती, मैं अपना वो खारिज करवाना चाहती हूँ, मैं पर्चा नहीं करवाना चाहती। और ये कोर्ट के सामने जाकर कहती हैं कि ये मुझे गलत फहमी हो गई थी,
मेरा ना ये मुलजिम है और अगर ये मुकदमा खारिज किया जाए तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये स्टेटमेंट हमारे पास तो आने से पहले वो पहले डायरेक्ट ही वो चली जाती हैं मुतलका जो मैजिस्ट्रेट होते हैं सेक्शन 30 के उनके पास जाकर वो 164 की स्टेटमेंट दे देती हैं। आपके पास बाद में आते हैं पहले मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं? हमारे पास वैसे हमारा तो ये होता है कि हमारे पास आती हैं फिर हम उनकी 161 की जो स्टेटमेंट है वो लेते हैं उसके बाद फिर वो बहुत कम इस तरह हुआ है कि वो हमारे पास 161 की स्टेटमेंट लेकर आएँ और वो ये कहें कि गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। वो उनको पता होता है कि भाई इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारा केस देखा है हमारी दादरसी की है अब मैं अचानक पैसे लेकर या किसी और मकसद से कोई शादी वगैरह कोई शादी का मैटर होता है वो कहते हैं जी मेरी से शादी हो जाए मैं पर्चा वापस ले लेती हूँ उनका वो मैटर बाहर से रिजोल्व हो जाता है तो वो फिर बजाय हमें फेस करने के वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास। किस तरह के आपके पास मुकदमात आते हैं मुकदमात में मतन क्या लिखा होता है अमूमन आप क्या देखती हैं किस तरह के स्टेटमेंट आती हैं? इस तरह होता है मैं होटल में गई थी इस तरह का होता है कि मुझे जॉब का झांसा दिया था अक्सर ये होता है और यहाँ किसी नामालूम जगह पर लेकर चले गए थे तो उन्होंने मेरे साथ रेप किया ये इस तरह के होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गैंग बनाकर शायद अल्लाह पाक की दी हुई नेमत उनको पसंद नहीं है वो दूसरे तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं ये सोर्स ऑफ इनकम बना दिया लोग सोर्स ऑफ इनकम एग्जैक्टली। तो आजकल कौन से केस की तफ्तीश चल रही है आपके पास? आजकल मेरे पास एक गैंग रेप है उसकी तफ्तीश चल रही है। तो वो गैंग रेप की दरख्वास्त मुकदमा क्या है मतलब उसका? वो मेरे पास जेन्युइन एक केस आया उसमें लड़की थी बच्ची थी वो घर से नाराज़ होकर निकली है और उसके बाद उस बच्ची को नामालूम एक लड़के ने बाइक पर लिफ्ट दी है अकेली अकेली लड़की थी तो माँ बाप की लाडली भी थी तो छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाती थी उसको उस एक लड़के ने बाइक पर लिफ्ट दी फिर दूसरे लड़के ने उसको अपने घर में पनाह दी उसके साथ गलत हरकत भी की फिर तीसरे लड़के ने उसको ट्रैप किया तीसरे लड़के ने भी उसके साथ गलत हरकत की फिर उन्होंने मिलकर उसको एक चौथे बंदे के हाथ बेच दिया जी बेच दिया। पहले गैंगरेप किया फिर उस लड़की को आगे फरोख कर दिया कितने पैसों में ये अभी एग्जैक्ट सामने नहीं आई उसकी हम इंटरोगेशन भी कर रहे हैं और उस बंदे ने फिर होटल में ले जाकर उसके साथ रेप किया। कई बार होटल के वकूए भी सच निकल आते हैं। ठीक है ये इक्का दुक्का होंगे जो केसेस जेन्युइन रिपोर्ट होते हैं लेकिन मोस्टली आप चूँकि कह रही थी 70% जो हमारे इकरार रिपोर्ट है वो झूठ साबित होने पर हम मुकदमा रेप के खारिज कर देते हैं जी जिसमें एविडेंस मौजूद हो। सबसे पहले हम चीज़ ही देखते हैं एविडेंस मादी शहादत हो या गवाह हो उसकी बेस पर हम पर्चा खारिज कर देते हैं। अगर हमारे पास उस तरह की कोई मैंने जैसे बताया गैंग जो है ना वो भी इतने ज़्यादा हो चुके हैं इस लिहाज से कि वो एविडेंस को छोड़ते ही नहीं है कोई हमारे लिए फिर उस लिहाज से अगर कोई प्रॉपर एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं होती फिर हम उन मुलजमान को खाना नंबर 2 में चलान कर देते हैं हालात लिख देते हैं कि ये बेकसूर हैं और खाना नंबर 2 में चलान कर देते हैं आगे उनकी बेल हो जाती है। ठीक है जो प्रोफेशनल्स होती हैं वो ट्रैप करती हैं समटाइम आपको उनसे तफ्तीश करने में मुश्किल भी पेश आती होंगी क्योंकि उनको पता है कि हमने पुलिस को कितना ब्लैकमेल करना है और फिर दूसरे बंदे को कितना फांस कर उसे रकम हथियानी है वो तो तब हमें तंग करेंगे ना जब हम उनको उस तरफ लेकर आएंगे। हम शुरू से ही हमारे पास जिस तरह की भी विक्टम आए चाहे वो फेक केस की हो चाहे यानी अगर हमें पता भी हो तो हम उसको विक्टम के तौर पर ही देखते हैं। ठीक है ये नहीं है कि हमें पता है कि ये 2 नंबर केस है या फेक केस है तो हम उसके मुंह वो आइए और हम उसके मुंह पर कहना शुरू कर दें भाई तुम तो 2 नंबर औरत हो ये हम कभी भी नहीं करते ये नहीं कहते मगर वो जो आपकी तफ्तीश है उसमें जो हालात आपने लिखने हैं वो मैटर करते हैं तो जो हकाइक होंगे वो आपने लिख देने हैं मगर ये है कि आपको पता है ये 2 नंबर है हम इसके बावजूद उसके मुँह के सामने उसको नहीं करते हम जबान नहीं चलाते हम कलम चलाते हैं। तो ये बड़ा हसास मैटर था जिसपे मुझे था कि आपकी तरफ से जो मसाइल हैं जो दरपेश आते हैं उसको सामने रखा जाए क्योंकि इन प्रोफेशनल्स का मुकाबला करना भी पुलिस के बस का काम नहीं होता क्योंकि जिस तरह वो लोगों को ट्रैप करते हैं तो पुलिस को भी ट्रैप करने में वो कोई आर महसूस नहीं करते